छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव जनसेवा समिति एवं हर हर गंगे समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के सातवें दिन भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। गणेश जी के दर्शन पश्चात पंडाल में बने फिश टनल की रंग बिरंगी मछलियों को देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान गणेश कष्टों को हरने हम सब के बीच इन दिनों विराजमान हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ इस्पात नगरी में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में भी छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश समिति, साथ ही जन सेवा समिति और हर हर गंगे समिति के संयुक्त तत्वावधान में भी ये पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशाल प्रतिमा बप्पा की यहाँ पर दर्शन के लिए विराजित की गई है, जिसका दर्शन लाभ हजारों लोग ले रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भव्यता से बनाई गई झांकी फिश टनल एक्वेरियम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिश टनल एक्वेरियम का लुत्फ उठाने हजारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे लोकप्रिय युवा विधायक रिकेश सेन यहाँ पर विशेष रूप से शामिल हुए। बप्पा का आशीर्वाद उन्होंने लिया, साथ ही समिति के कार्यों की प्रशंसा की और इसके साथ ही फिश टनल एक्वेरियम के लिए भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, भिलाई को शिक्षा धानी, खेल धानी और कला धानी के रूप में जाना जाता है और प्लांट से भिलाई से प्लांट से हमारी पहचान है। लेकिन आप देख रहे हैं पूरे टाउनशिप पे गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज बप्पा के दर्शन करने आया हूँ सेक्टर 10 में, और जो आप शख्स देख रहे हैं, इन्होंने भिलाई को विदेश का रूप दे दिया। इन्होंने बढ़िया सुंदर तरीके से फिश टैंक बनाया है, टर्नल बनाया है, जो हम लोग के लिए एक हम ये सब चीज़ें विदेशों में देखते थे, आज हम सेक्टर 10 के इस पंडाल में देख रहे हैं। आयोजन समिति को बधाई देता हूँ, उन्होंने कैसे इस थीम को ढूंढा और कैसे हमारे बड़े भैया जो 19 साल पहले भिलाई में आके मीना बाजार लगाए थे, इनको ढूंढा। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा इन्हें स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आयोजन समिति हमेशा अच्छा काम करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं सबको। गणेश चतुर्थी की बधाई देता हूँ। ठीक है, समिति के द्वारा भी इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। आज हमारे समिति द्वारा एक विशेष पूजा की गई, इसमें बहुत सारे श्रद्धालु आए थे और भीड़ इतनी थी कि आज हमारा ये कार्यक्रम लगभग एक बजे तक चलेगा। आज हमारे समिति के पंडाल में वैशाली नगर के विधायक माननीय रिकेश सेन जी आए थे। उन्होंने भी इससे भी हमने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि ये हमारे भिलाई के गौरव की बात है कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में फिश टनल लगा है करके। बप्पा से हम यही कामना करते हैं कि भगवान सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, शांति का वातावरण रहे, यही हम चाहते हैं। इस्पात नगरी में पहली बार निर्माण किए गए फिश टनल एक्वेरियम को लेकर के भी इसके संचालक टीटू सर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि आने वाले दिनों में और भव्यता से इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय भिलाई शहर की जनता का जो प्रतिसाद मिल रहा है उसका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ईश्वर इंद्र देवता, वो भी आज शाम को जैसा मौसम हुआ था ऐसा लगा कि बारिश आएगी, परंतु इंद्र देवता ने हमारे ऊपर में बहुत बड़ी मेहरबानी की और जनता का प्रतिसाद और दिनों दिन जनता बढ़ रही है। और फिश चैनल शो देखने के बाद जो संतोष जनता को मिल रहा है, हमें उसका जो आशीर्वाद और जनता का भी, जो विधायक साहब आए हैं उन्होंने भी यही बोला है कि आपने शहर में ये जो आइटम लाई है फिश चैनल शो, उसको जनता ने देखने के बाद में हमें अच्छा प्रतिसाद दिया है और बहुत बहुत हम लोगों को आशीर्वाद मिला है विधायक साहब का भी। और ओपनिंग में हमारे जो विजय बैग आए थे सर, उनका भी, सभी का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और ये चैनल शो आपके लिए 13 अक्टूबर दशहरे तक यहाँ शुरू रहेगा। आप अपने परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें और इस सुनहर स्वर्ण संधि का लाभ उठाएं। धन्यवाद। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ इस्पात नगरी में मनाया जा रहा है। फिश टनल एक्वेरियम यहां पर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचकर बप्पा का आशीर्वाद जहां ले रहे हैं, इसके साथ ही फिश टनल एक्वेरियम में जाकर मनोरंजन करते देखे जा रहे हैं। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।